नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 हिमाचल। आनी क्षेत्र की दुर्गम पंचायत विशलाधार के गांव डिगेड़ में शनिवार सायं देवी सिंह के दो मंजिला रिहायशी मकान में भरी बरसात में अचानक आग लग गई और लकड़ी के मकान में आग ने देखते ही देखते भयानक रूप धारण किया और रिहायशी मकान को राख कर दिया। जानकारी के अनुसार देवी सिंह का परिवार शनिवार सायं को भारी बारिश व बर्फबारी के बीच ठंड से बचाव के लिए घर में ही रह रहा था। इस बीच मकान के एक हिस्से में एकाएक आग लगी, जिसकी भनक लगते ही परिवार के सभी सदस्य बचाव के लिए फौरन बाहर भागे। इससे पहले कि परिजन अपने आशियाने को आग की भेंट चढ़ने से बचा पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर मकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस आगजनी में देवी सिंह का सब कुछ नष्ट हो गया। हालांकि अभी तक घटना में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं है, मगर इस आगजनी से देवी सिंह का पल भर में सब कुछ राख हो गया और प्रभावित परिवार भरी बरसात व बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड में बेघर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 हिमाचल।